शिवपुरी जिले के कोट रोड स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पास बने बैंक के रिकॉर्ड में रूम में रविवार को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके चलते रिकॉर्ड रूम में रखा 50 साल पुराना बैंक का रिकॉर्ड और कबाड़ा जलकर नष्ट हो गया। वहीं साग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण रिकॉर्ड रूम के पास मौजूद कचरे के ढेर से लगना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेकर आग लगने के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। मेरा बीरेन कुमार पाराशर। पाराशर जी, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ प्रभारी कार्यालय दीक्षित में कार्य। कौन सा बैंक है जी? ये जिला सहकारी केंद्र। आज ये आग लगने की घटना है, कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है? आग लगने वाली घटना है प्रॉपर जो बैंक की बिल्डिंग है उसमें तो नहीं हुई जी। पास में जो भूमि विकास बैंक के नीचे का हॉल जो बैंक ने ट्रस्ट से ले रखा है जी, काफी वर्षों से 50 साल से अधिक हो गया, उसमें जो टूटा फूटा पुराना डेड स्टॉक का जो सामान रखा था उधर से धुआं निकलता हुआ देखा, तो जो एक कमरा था जिसमें कहीं से भारी गड्ढा वगैरह भी था, तो ऐसा लगता है किसी ने कोई आग माग लगाई है आसपास किसी कचड़े में, तो वहाँ से कहीं आग पहुँच गई है। तो उसमें कोई खास कोई नहीं, कुछ कोई क्षति नहीं हुई बैंक। कोई खास रिकॉर्ड था उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं था। पुरानी सामान था? पुरानी सामान था, थोड़ा सा जला, इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया था। फायर ब्रिगेड, दो फायर ब्रिगेड आई थी, कलेक्टर महोदय हमारे प्रशासक महोदय आए थे, एसपी साहब आए थे, एडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, और पूरा ये नगर पालिका का अमला था, उन्होंने तुरंत आग पे काबू पा लिया।